हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट आलिया अली रिजवी आज टेक्सास टाइम के एक नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिस तरह हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम COVID-19 की वेव को अपने सराउंडिंग्स में सफ़र कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, इसी सिनारियो में कि जब पूरी दुनिया में स्पेशली खासतौर पर US के अंदर COVID-19 डैमेजेस कर रहा है, इंसानी जान खतरे में है, रेसिज्म का एक नया जिन बोतल से बाहर आया है जो कि इतना शिद्दत से और इतनी पावर से बाहर आया है कि जिसका शिकार US की बहुत सारी स्टेट्स और उन स्टेट्स की मेजर सिटीज हुई हैं, फ्रॉम नॉर्थ कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट में सियाटल है, डैलस है, मियामी है, शिकागो, न्यूयॉर्क प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोगों के। उसका बैकग्राउंड मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिनेसोटा, स्टेट ऑफ मिनेसोटा में एक पुलिस ऑफिसर ने एक अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन को कार से ड्रैग आउट किया और उसको बाकायदा ज़मीन पे लिटा कर उसको चोक टू डेथ किया। इस सिलसिले में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव आई है US के अंदर। अफ्रीकन अमेरिकन के साथ साथ मैक्सिकन, अरब्स, मुस्लिम, इंडियंस, इवन वाइट अमेरिकन इस वक्त स्ट्रीट्स को टेक ऑन कर रहा हुआ है। लोगों की प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही है, लोगों के जो बिजनेस हैं उनको एम्बुश किया जा रहा है, लोगों को रॉब किया गया है, हर्ट किया गया है। उसके अलावा पुलिस पर भी हमले स्टार्ट हो गए हैं, जो यहाँ पर जो बैंक्स हैं, जो फेडरल स्टेट की बिल्डिंग्स हैं उनको नजर आतिश किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमने डैलस की एक मशहूर शख्सियत जो यहाँ के ह्यूमन राइट्स के जो चीज़ों को बहुत गहरी निगाह रखती हैं, बहुत इनकी सर्विसेज हैं, US के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आइए इनका तारुफ करा दूं। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल मिस्टर आफ्ताब सिद्दीकी साहब। और इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, मैं आपको उनका पोर्टफोलियो बता दूं कि ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस कमेटी। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के डैलस के रिक्रूटमेंट, जो कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं, उनके हेड हैं। उसके अलावा वो यहाँ पर जो MCC एक इदारा है जो मुस्लिम वेलफेयर का काम करता है, हॉस्पिटल, NGOs, वेमन ओरिएंटेड प्रोग्राम उनके 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 प्लेटफॉर्म से लॉन्च होते हैं अक्सर, उन सब का टेक केयर करते हैं। एक जानी मानी पर्सनालिटी है, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी है। आइए इनसे बात करते हैं और अपने प्रोग्राम में आफ्ताब सिद्दीकी साहब को वेलकम करते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपको वासा के प्लेटफॉर्म पर टेक्सास टाइम के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हैं। कैसा फील हो रहा है आपको और जो करंट सूरत हाल जो है COVID-19 के साथ साथ जो रेसिज्म का जो जिन इस बोतल से बाहर आया है और एक नई वायलेंस की वेव आई है US के अंदर, इसमें आपका क्या इनपुट है, आपका क्या एनालिसिस है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया है और वसा का प्लेटफॉर्म दिया है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जिन जो है ऐसा है कि इस रेट से जो है ये बड़ा होता जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो गई है जो है इस वक्त जो है 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है बहुत ही खतरनाक टाइप की सूरत हाल हो गई है। और जहां तक आप जिन बोतल से बाहर आने की बात कर रहे हैं, जिन जो है बोतल में कभी भी नहीं था। अमेरिका की जो हिस्ट्री जो है वो जो है शुरू ही हुई तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो है जो लिखा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, लेकिन उसमें यह नहीं कहा था कि जो है कि ब्लैक मैन वेदर ही इज गोइंग टू बी इक्वल। उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन में था कि 3/5 ऑफ अ ब्लैक मैन विल बी अ 3/5 ऑफ अ वाइट मैन वोट जो है इस तरीके से। तो ये जो है ये जन तो बहुत अरसे से चल रहा है। द थिंग इज के जो है कि ये बहुत ज़्यादा जो है आप समझ रहे हैं कि लावा पकता रहा और इसमें सडनली जो है एक चिंगारी लगी और जो है लोग जो है बिल्कुल। अच्छा, आपने जो इंडिकेट किया, जो निशानदेही करी जिस इशू को लेकर, इस पे तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए जो सिनारियो आजकल पेंट हुआ है COVID-19 प्लस रेसिज्म और वो भी वायलेंट, एक स्ट्रेट टेक ऑन हुई है, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, फेडरल स्टेट की प्रॉपर्टीज बर्न डाउन हो गई है, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इसमें अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, अमेरिकन माशरे को कैसे देखते हैं और फ्यूचर क्या चैलेंजेस सामने आने जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो जो है COVID-19 की वजह से तो पूरा मुल्क जो है बिल्कुल स्टॉप हॉल्ट पर आया हुआ है। जो है कितने 40 मिलियन से ज्यादा लोग जो है इस वक्त जो है
अनएम्प्लॉयड हैं। तो अमेरिका की तारीख में इतने बड़े लोग, इतने इस तादाद में लोग जो हैं कभी भी जो है अनएम्प्लॉयड एक वक्त में जो है नहीं रहे हैं। हालांकि 1930 में जो है जब डिप्रेशन की बात करते हैं उस वक्त 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो अभी अगले हफ्ते जो है वो फ्राइडे को जो है रिपोर्ट आएगी कि जो है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी एटलीस्ट 20%। सो जो है वी डोंट नो कि जो है ये कहाँ तक जाएगा और किस तरह से जाएगा। अब जो COVID-19 की वजह से जो है कुछ स्टेट्स ने जो है खोलना शुरू कर दिया है, मेरे ख्याल में तमाम स्टेट्स ने थोड़ा थोड़ा करके जो है लूज करना शुरू किया है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है लाइक टेक्सस, इसमें जो है तादाद जो है इन्फेक्शन की जो है बढ़ती जा रही है। और रेसिज्म क्या आप अच्छा देखेंगे? तो रेसिज्म पर जो है आप आए तो फिर जो है आप देखें न्यूयॉर्क में जो हुआ है, और जनरली क्योंकि वही सबसे ज्यादा जो है एपिसेंटर था, वहां पर 80% ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन जो हुई हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स की, मेनली अफ्रीकन अमेरिकन की जो है वो हुई है। और जो है ये बड़ी अजीब गरीब बात है कि वी द साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो है कि ये कैसा जो है ये है कि फिनोमेना है कि जिस विच इज रियली हर्टिंग डिफरेंट या स्पेसिफिकली इतना ज्यादा जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो है हर्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे पॉपुलेशन सेगमेंट्स हैं जो के जो है इतने ज्यादा हर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो है वे दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब ये देखें जो है शुरू में जो है 2 महीने से जो है ये लोग कह रहे थे कि बच्चों को नहीं होता है और टीनेजर्स को नहीं होता है, लेकिन सडनली जो है अब जो है बहुत सारे जो है केसेस जो है बच्चों के आ रहे हैं कि उनको अजीब टाइप की बीमारियां हो रही, जिसमें एक वन ऑफ द रेयर बीमारी कावासाकी सिंड्रोम की जो है वो लोग बात कर रहे हैं। तो लेकिन बेसिकली जो है मेरा पर्सनल ख्याल जो है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनको इस वजह से जो है इतना ज़्यादा मुतासर हुए हैं क्योंकि उनकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से जो है, क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर ऑन द फ्रंट लाइन, बसें ड्राइव कर रहे हैं जो है, ट्रेन्स चला रहे हैं जो है, EMTs एम्बुलेंस चला रहे हैं EMTs। अच्छा, जो मिनेसोटा में जो वाकया हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिकली। आप इस पूरे वाकये को, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है जी जी, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से ये लास्ट टाइम भी नहीं है, तो लेकिन अब आप इस पूरे सिनेरियो को और इससे जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, जो एक वायलेंस का एक फ्लेवर आ रहा है इस सोसाइटी के अंदर, इसको आप कैसा देखें? देखें जो है ये तो है बहुत ही भयानक टाइप का जो है, और ड्रेडफुल टाइप का जो है, फ्राइटनिंग जो है केस हुआ है, और वो 9 मिनट तक जो है वो लिटरली जो है ये पुलिस वाइट पुलिस ऑफिसर जो है वो अपना घुटना जो है, अपने नी जो है उसके गर्दन पर रखा हुआ है, और वो कह रहा है कि जो है कि आई कैन नॉट ब्रीथ। लेकिन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसकी शक्ल देखें जो है वो ही इज लीस्ट कंसर्न, और 3 और आदमी जो ऑफिसर जो खड़े हुए हैं दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। तो सडनली जो है ये इस वजह से भी कि ये पिछले दिनों में जो है दूसरा तीसरा वाकया है, अभी लास्ट वीक जो है एक वाकया हुआ था कि जिसमें जो है अल्लाह का शुक्र है कि जो है nobody died, लेकिन जो है एक खातून ने जो है एक अफ्रीकन अमेरिकन को जो बर्ड वॉचिंग कर रहा था एक पार्क में, और उसने खातून जो अपने कुत्ते को वॉक करा रही थी, और उसने कहा कि भाई जो है लॉ जो है वो ये है कि आप कुत्ते को जो है लीश लगा दें, और वो बंदी जो है उसने कहा कि जो है कि ये तो मैं काम नहीं करूँगी number 1, और number 2 जो है I'm going to call the police and tell them that you are threatening me and all that। तो इस किस्म के जो है 2-3 वाकयात अभी चल ही रहे थे कि suddenly जो है ये वाला वाकया हुआ, और 3 हफ्ता पहले जो है जॉर्जिया में जो है एक वाकया हुआ है जिसमें जो है एक अफ्रीकन अमेरिकन को जो है मार दिया, और उससे 2-3 हफ्ता पहले केंटकी में पुलिस ने एक घर में छापा मारा और दे शॉट डेड द वुमन हु वाज सिंपली स्लीपिंग केंटकी में जो है।
और फिर ये हुआ कि जनाब साहब जो ओ हमसे गलती हो गई, हमको किसी और घर में छापा मारना चाहिए था ड्रग्स के लिए, जो है हमने गलती से गलत एड्रेस पर मार दिया, बट नोबडी हैज अपोलोजाइज, नोबडी हैज सेड एनीथिंग। तो एक जो है मसला ये है कि जो है हमारी जो ये कम्युनिटी है, लॉ इन्फोर्सिंग कम्युनिटी, उसमें जो है दे सिंपली लैक द एम्पथी के दूसरे माइनॉरिटीज के साथ, खास करके अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो है क्या गुजर रही है। अच्छा, अगर उसके बदले में, देखिए जो भी आपने इंडिकेट करा है उसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले में जो प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जा रहा है, वैंडलिज्म हो रहा है, कार जैकिंग हो रही है, मतलब ये भी तो अपना ही लॉस कर रहे हैं, तो क्या वो एटीट्यूड सही है? क्योंकि मार्थल लूथर किंग के ही फॉलोवर्स होने के नाते मार्थल लूथर ने हमेशा ये बोला है कि आप वायलेंस को वायलेंस से ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल सही आपका कहना है जो है। तो आप कैसे देखते हैं सारे वायलेंस नहीं, को? मैं बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ। आप ये देखिए कि वहाँ पर जो है एलाबामा में जो है नाइनटीन लेट फिफ्टीज में और अर्ली सिक्सटीज में जो है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं जो कि उनके साथ ज्यादती हो रही थी, तो जो है मार्टिन लूथर किंग ने ये नहीं कहा कि जो है कि बसों को जला दो या कुछ, ही सेड कि जो है लेट्स बॉयकॉट। और जो है तो क्या हुआ कि जनाब साहब जो है उन लोग ने बसेस का बायकॉट किया और चंद महीनों के अंदर जनाब साहब जो है वो जो है कंपनी ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी एंड ऑल दैट। ठीक है, बीच में जो है काफी सारे लोगों ने जो है डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी किया एंड ऑल दैट, बट दैट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पीसफुल एक्शन। और यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है आप वायलेंस को तो कोई भी कंडोन नहीं कर सकता है, नंबर वन। ये एक और बात है कि जो है कि मिनेसोटा में जो है दो तीन वाइट मेल्स जो है पाए गए हैं जिन्होंने जो है वो तोड़फोड़ शुरू की जो है, और वो उनकी वीडियो भी आई है जो है। और इसके अलावा जो है ये भी बात जो है सोशल मीडिया में गई है जो टू द वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप्स के तुम लोग आओ और इन लोगों के साथ मिल करके जो है तोड़ फोड़ करो। अच्छा, तो इसी में आपको मैं फॉलो अप क्वेश्चन करना चाह रहा जा हूँ कि एक अजीब फिनोमेना है कि जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जब प्रोटेस्टर्स पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रिक्स, पत्थर जो होते हैं, ऑयल, लकड़ियाँ, ये सामान वहाँ ऑलरेडी डंप हुआ हुआ होता है, तो कौन है जो प्रोटेस्टर्स के पहुँचने से पहले वहाँ पर ऑयल, स्टोन्स, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? वी डोंट नो कि कौन लोग कर रहे हैं जो है। आप जो है अनलाइक पाकिस्तान, या पाकिस्तान में तो पत्थर वत्थर सड़कों पर जो है यहाँ पे बेतहाशा तो मिल जाए, पाइलअप लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, या उसकी बहुत एग्जैक्टली सारी वीडियोस हमने देखी हैं। एग्जैक्टली जो है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन टू रियली टू मेक इट मच मोर वर्स डेवास्टेटिंग। या डेवस्टेटिंग जो है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो है आप हमारे प्रेसिडेंट साहब को देखें कि जो कि इस मौके से जो है बजाय इसके लीडरशिप दिखाएं और ये काम डाउन करें लोगों को, जो है वो लगे हुए हैं कि जनाब साहब जो है कि लेट मी सेंड द आर्मी टू स्टार्ट शूटिंग द पीपल, जो है डजंट लुक लाइक के जो है कि ये एक महजब मुल्क या फिर जो है सिविलाइज मुल्क जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जो है इस किस्म की बात हो रही है जो है दिस इज। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज एक्सप्लॉइटिंग दिस बिकॉज ही इज सीइंग दैट इज लेकिन द लोगों ने उनको प्रॉब्लम। वोट दिया है फैसला करने का। नहीं, लोगों ने वोट तो जो है वो 3 साल 3 साढ़े 3 साल पहले दिया था जो है। अभी तो जो है नहीं, ऑफिस में बैठे हैं मैं तो नहीं, ऑफिस में लोग बैठे हुए वोट हैं। से बैठे नहीं नहीं हैं। वोट से बैठे हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो है आई एम नॉट चैलेंजिंग इज लेजिटिमेसी। व्हाट आई एम सेइंग कि जो है कि आप देखें कि ये सदर जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है। भाई हमारे सामने 9/11 हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो है ये तो नहीं कहा था कि जो कि मुसलमानों के हर मुसलमान जो है खराब है। वो तो मस्जिद मॉस्क गया था जो का तीन चार विजिट दिन के किया था, अंदर बिल्कुल। 3 4 दिन के अंदर और ही वेंट ऑन मीडिया एंड सेड पब्लिकली दैट दैट द इस्लाम इज अ गुड रिलीजन एंड ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट इन टेररिस्ट। या टेररिस्ट जो है। फिर बराक ओबामा के तो फिर जो है हम लोग जो है बहुत ही इज्जत करते हैं क्योंकि कितने सारे साने हुए हैं, लेकिन वो हमेशा
टीवी पर आता था, लोगों को काम डाउन करने की कोशिश करता था जो है, जबकि यू रिमेम्बर जब 9 लोग एक चर्च में जो है वाइट जी सुप्रीमिस्ट ने मारे थे जो है, अगर वो जो एक्सप्लॉइट करना चाहता, ही वाज अ अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन, ही कुड प्रेसिडेंट हैव एक्सप्लॉइटेड इट, बट ही नेवर डिड एक्सप्लॉइटेड. तो इन कंपैरिजन डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सप्लॉइटिंग इट, ही डजंट केयर के कौन लोग मारे जा रहे हैं, किन लोगों का नुकसान हो रहा है. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो लोग ये अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह, दे हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो है, डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर की तरफ से हम लोग जब भी जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम लोग बेतहाशा रैलीज वगैरह जो है हम लोग ने की हैं, जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वी गो टू द पुलिस, वी गो टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग ये करने वाले हैं जो है, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जो भी टाइम है, और हम लोग इस एरिया में जो है वो करेंगे. तो फिर जो है, प्लीज प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, बिकॉज वी हैव टू वी नीड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस ऑल्सो, क्योंकि पुलिस का ये काम है. क्योंकि और हम लोग जब भी जो है ऑर्गेनाइज करते थे, वी मेड इट श्योर कि किस किस्म के स्लोगनियरिंग होगी, किस किस्म के प्लैकार्ड्स कार्ड्स होंगे, और किस किस्म के जो है नारे वहां पर लगेंगे जो है. और वी देवर पीपल अपॉइंटेड इन आर ग्रुप्स जो के दे वर रिस्पॉन्सिबल टू कीप एवरीबडी इन लाइन, और अगर कोई भी आउट ऑफ लाइन जाए तो फिर वी हैड द पुलिस, वी कुड टेल देम. दैट इज गुड टू नो सर. व्यूअर्स, इस वक्त एक हॉट और एक सेंसिटिव टॉपिक जो रेसिज्म का जो इशू चल रहा है उस पर बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे. वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक. जिंदगी हक है और मौत बरहक. पाकिस्तानियों की जानिब से खोली गई पहली मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज जो अमेरिका की तमाम रियासतों में 24 घंटे फाल है. अगर आप किसी ऐसे लावारिस मुसलमान बहन या भाई को जानते हैं जो इस दुनिया फानी से कूच कर गया है और तदफीन का मुंतजर है, हम करेंगे फ्यूनरल सर्विसेज फी सबीलिल्लाह. आप सिर्फ हमें कॉल करें और बाकी इंतजाम हम पे छोड़ दें. वेलकम बैक व्यूअर्स. हम लोग बात कर रहे थे जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है यूएस में रेसिज्म के हवाले से, जो प्रोटेस्ट और वायलेंट बेस हो रहा है, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टफुल आफ्ताब सिद्दीकी साहब. इस बात को वहीं से कंटिन्यू करते जहां छोड़ी थी. सर ये बताइए कि जो आप अभी बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से. तो जी, मैं आपको जो है बता रहा था कि जो है कंपैरिजन कर रहा था कि जो है हम लोग जो पाकिस्तानी जो है वहाँ से होकर के आते हैं. मैं अपने मिसाल देता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की वहाँ से कराची से. अब मुझे कितने पैसे देने पड़ते थे फीस के? 25 रुपये जो है एक महीने के, 250 रुपये जो है साल की फीस थी जो है. तो 1000 रुपये में जो है मैंने 4 साल की जो है इंजीनियरिंग कर ली जो है. ये तो जो है मेरी फीस से तो जो है एक प्रोफेसर की भी तनख्वाह नहीं मिलती थी जो है. ये तो जो है सब्सिडाइज गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, और जो के वी गॉट लकी कि हम लोगों को मिली. और वो बजाय इसके जो है ये सब्सिडाइज मनी जो हम लोगों के ऊपर खर्च हुई, ये वहाँ अवाम के ऊपर भी खर्च हो सकती थी. उनको जो है वहाँ तो बेचारे एक दवाई ना मिलने की वजह से जो है मर जाते हैं जो है. तो अब मैं यहाँ पर आऊँ और फिर जो है मैं कहूँ कि जो है कि यार मैंने तो जो है इतनी मेहनत की और मुझे 2-3 साल में आने के बाद जो जॉब मिल गई एंड ऑल दैट, जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन जो है ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स जो हैं पाकिस्तान वगैरह से जो है आ रहे हैं और इंडिया से आ रहे हैं, दे आर वेल टू डू देयर. कौन कौन जो बिल्कुल लो पावर्टी लेवल वाले कितने पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी या कोई भी जो है वो आया, दुनिया भर से जो लोग आते हैं, जो इमिग्रेंट्स आते हैं,
दे आर जनरली स्पीकिंग अनलेस अंटिल दे आर रेफ्यूजीज दे आर वेल टू डू पीपल, उनके जो है फैमिलीज इंटैक्ट होती हैं, उन लोगों के पास जो है फ्री की, लिटरली फ्री की एजुकेशन होती है अपनी कंट्रीज में जो है, और यहाँ पर जो है जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो $20,000 जो है कि जो है एक साल की जो है कहाँ से वो कर सकता है, जबकि उसके पास स्प्लिट फैमिली है, कुछ बाप का नहीं पता है या माँ का नहीं पता है, नंबर वन। और नंबर टू जो है अगर माँ बाप दोनों हैं तो दोनों जो जॉब्स कर रहे हैं दे आर नॉट गुड इनफ टू सेंड दिस किड टू द कॉलेज। ऑन टॉप ऑफ दैट जो है कोई जनरेशनल वो नहीं है कि जनाब सब कॉलेज जाना है जो है। वी आर लकी जिन लोगों की फैमिली इंटैक्ट होती है कि उन लोगों के जहन में जो है 4 साल का बच्चा होता है उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या जो कुछ भी करना है जो है। यहाँ जो है ये गरीब के पास क्या होता है जो है, वो एवरीबडी ट्राइज टू गो टेक अ शॉर्टकट, वो जो है माइकल जॉर्डन बनने की कोशिश करता है, लेकिन वन इन अ मिलियन प्लेयर जो होता है माइकल जॉर्डन बनता है, बाकी सारे बेचारे जो है ऐसे ही जो है चले जाते हैं। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट जो है आप देखें इस माशरे में जो है ऑब्स्टिकल्स कितने ज्यादा हैं जो है। पब्लिक स्कूल में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं होते हैं ज्यादातर वाइट से होते हैं। सेग्रीगेशन की बात, हाँ नहीं मैं सेग्रीगेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी हर पब्लिक स्कूल में जो है एक दो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी अगर जो है लड़ाई वड़ाई होती है टीन एजर्स में जो कि एक आम सी चीज है, वो जनाब साहब जो है वाइट्स अगर लड़ रहे हैं तो उनको जो है कोई कुछ नहीं कहता, जो है थोड़ी बहुत वार्निंग वगैरह दे दी। ब्लैक किड्स लड़ रहे हैं उनको जनाब साहब जो उठा करके जो है वो उनको स्कूल ट्रांसफर कर दिया और जनाब साहब उनको जेल में भेज दिया जो है। और जे रिमेंबर दैट इस सोसाइटी में अगर आप एक दफा जेल में चले गए आपके रिकॉर्ड में आ गया, आपके रिकॉर्ड में आ गया आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा जो है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पेडिमेंट्स एंड ऑब्स्टिकल्स जो कि हम लोग बहुत लकी हैं, अल्लाह का शुक्र है जो है ये पर्टिकुलरली अफ्रीकन अमेरिकन के साथ है। तो जो बच्चा जो है वो जो है 20 साल का होता है उनमें से आधे बच्चों की तो जो है वो ऑलरेडी जो है दे आर इन द पुलिस रिकॉर्ड। अच्छा ये बताइए कि जितना हम लोग देखते हैं अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, मैक्सिकन भी यहीं पर ही आते हैं, उनके पास तो स्टेटस भी नहीं होता, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी पांचों उंगलियों की मेहनत की कमाई से खाते हैं, फ्रूट कलेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर उनको क्राइम नहीं करना तो नहीं करना। अफ्रीकन अमेरिकन क्यों उनका क्राइम रेशो उनकी कम्युनिटी में ज्यादा है? आपसे अगर मैं एक दरख्वास्त करूं कि 12 बजे रात के चलें किसी वाइट नेबरहुड में, आप चलेंगे मेरे साथ? लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि 12 बजे किसी अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड में चलो, हम दोनों नहीं जाएंगे। एक थ्रेट तो है वहां से इस कम्युनिटी को, तो उस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए वो तबका अपनी हेल्प खुद क्यों नहीं करता? नहीं, वो लोग अपनी हेल्प करते हैं और उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके पास जो है नेबरहुड ग्रुप्स हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं, लेकिन जो है दे नीड मोर असिस्टेंस फ्रॉम द लेट्स से द वाइट पुलिस फोर्स, के जो है वो लोग बजाय इसके कि वहां पर आकर के जो है हमेशा जो है वो खुद डरे सहमे रहते हैं और दे आर ट्रिगर हैप्पी। आई कैन टेल यू सो मेनी ऑफ दिस पुलिस ऑफिसर्स आर ट्रिगर हैप्पी जो है कि दे शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर, खास करके जो है अगर अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड में हो। अब वो देखें ट्रेवॉन का जो है वो केस था, वो बेचारा जो है कोक की बॉटल खरीद या वो खरीद करके जा रहा था जो है। तो इस किस्म की जो है सूरत हाल जो है हम लोग में से किसी को जो है नहीं फेस करनी पड़ती है जो है, नंबर एक। नंबर दो जो है, मैं टाइम्स मैगजीन में लास्ट ईयर मैं पढ़ रहा था जो उसमें अफ्रीकन अमेरिकन के जो पढ़े लिखे अफ्रीकन अमेरिकन के जो है वो थी, एक जज वो जो है वो कहता था कि जो है कि हर महीने जो है कम से कम एक मरतबा जो है उसके जो पुलिस ऑफिसर वाइट पुलिस ऑफिसर उसको रोकता था और वो शोर मचा रहा कि मैं जज हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो है। वो कह रहा है कि जो है आई डोंट केयर व्हाट यू आर जो है आई वांट टू चेक यू एंड थिंग्स लाइक दैट। द क्वेश्चन इज कि जो है कि कब तक और कितना जो है ये लोग जो है कोई भी कम्युनिटी ये सब चीजें जो है बर्दाश्त कर सकती है। मेरी अफ्रीकन अमेरिकन खवातीन से जो है बात हुई है
और जो एक तो ये कि जो आप देखें हर अफ्रीकन अमेरिकन मदर जो होती है उनका अगर उनका बेटा होता है तो उसको जो है ख़ास करके जो है नसीहत करती है रोज़ कि बेटा शोर नहीं मचाना, लड़ना नहीं, अगर कोई पुलिस वाला रोके तो इस तरह से एक्ट करना, जो है जेब जेब के करीब हाथ नहीं ले जाना एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि हम लोग को कभी वहमो गुमान में नहीं होता कि हम लोग अपने बच्चों को कहें जो है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो है कि ये किस वजह से जो है अफ्रीकन अमेरिकन मदर्स जो हैं उनका उनका जो है दिल में जो है वो दर्द रहता है कि बेटा आज वापस नहीं आया, देर हो गई, तो क्या हो रहा है। तो जो बेटा होता है वो अम्मा की बात सुन लेता जो है, ज्यादातर सुन लेते हैं, लेकिन जो है बहुत सारे जो है वो नहीं सुनते हैं जो है द टीनेजर्स या जो है हम लोग सबके बच्चे जो है टीनेजर्स वगैरह से जो है गुजरे हैं जो वो कितनी बातें सुनते हैं जो है दे थिंक दे आर ग्रोइंग अप, दे थिंक जो है नाउ वी आर एडल्ट्स, हम अमेरिका में रह रहे हैं, जो है हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो लोग तो। और ये मैं आपको जो है ये सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो तो यही पढ़ा पला बड़ा जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जो हालात चल रहे हैं अब चूंकि हम लोग प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं तो इकोनॉमी को ऑलरेडी जो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हुई हुई है, इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, नंबर सारे नेगेटिव में जा रहे हैं, इस तरह के जो सिनारियो पेंट हो रहे हैं ये नेगेटिव को और फ्लरिश कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि इसका आने वाले वक्तों में इलेक्शन के बाद भी अमेरिकन सोसाइटी को क्या डैमेज होने जा रहा है और इसका कोई सद्देभाव हो सकता है, कोई हल निकल सकता है, और आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग क्या समझते हैं इसको लिए? देखें इस वक्त तो जो कोविड 19 की वजह से जो सिचुएशन है, ये कोविड 19 जैसे कि डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे साथ 18 महीने वगैरह तक है जो है, जब तक जो है वो नहीं आ जाती वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती उस वक्त तक जो है ये हमारे साथ है। तो वी हैव टू कीप आई मीन वी आर गोइंग टू ओपन द इकोनॉमी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम नाउ ऑन। जो इकॉनमी का जो है बहुत बुरा हशर है जो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो है कि वी नीड 4 to 6 मोर ट्रिलियन डॉलर्स इन द हैंड्स ऑफ द अमेरिकन जो है, और ये बात नहीं है अमरीका जो है अमीर तरीन मुल्क है जो है दे कैन डू इट। अगर 2 trillion जो है 2017 में जो है बिलियनर्स को जो है और मल्टी मिलियनर्स को जो है टैक्स ब्रेक दे दी थी तो फिर जो है 2 trillion या 4 trillion गरीबों का जो है क्यों नहीं 90% ऑफ द अमेरिकन के लिए क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है ना। जो है ये अभी और ये इकॉनमी जो है अभी इसको टाइम लगेगा जो है ये इट मे बी 2-3 years बिफोर वी आर बैक टू द कील एंड उस 2-3 years में जो है बेतहाशा छोटे छोटे बिजनेसेस छोटे रेस्टोरेंट बिल्कुल जो है दे आर नॉट कमिंग बैक जो है अनफॉर्चुनेटली जो है तो लेकिन जो है वी रियली नीड द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स नीड टू वर्क टुगेदर जो है बाय पार्टीशन होना चाहिए तो बट वी कैन डू इट बिकॉज एवरीबडी एल्स हैज इज ट्राइंग डूइंग अ मच बेटर जॉब देन अस। तो जो है लेकिन हम लोगों को हेल्थ केयर में अब आप देखें जो है $750 billion का जो है से ज्यादा का जो है मिलिट्री बजट है जो है हेल्थ केयर पर कितना डालते हैं हम लोग जो है आई वुड से 750 billion को जो है कट बाय हाफ और जो है वो सारा जो है वो फॉर रिसर्च फॉर द COVID-19 और COVID-19 के बाद तो और भी बहुत सारी जो है मुसीबतें जो है आने वाली है फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट जो प्रेडिक्शंस हैं। तो जो है ये नहीं कि वसाइल की कमी है रिसोर्सेज की कमी नहीं है लेकिन जो है सही जगह पर रिसोर्सेज जो है वो वी शुड पुट दीज रिसोर्सेज देयर क्योंकि हमारे पास जो थाउजेंड्स ऑफ टैंक्स हैं जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं F-35s हैं F-16 व्हाटएवर जो है ये सब तो जो है कुछ भी नहीं कर सके जो है इस वबा के इस वायरस के आगे जो है एक ऐसी चीज जो कि नजर भी नहीं आती हम लोगों को जो है तो वी शुड रियली लुक एट एंड फोकस आवर एनर्जी
towards where the real threats are. अच्छा, अब चूंकि अब हमारा प्रोग्राम का आखिरी सवाल है और वो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं दुनिया भर में उसको, और ख़ासतौर पे जो यूएस के जो हमारे जो यूथ है, जो हमारी फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एड्रेस करें, क्योंकि फ्यूचर में अब चैलेंजेस तो हैं, इस तरह हर कम्युनिटी चैलेंजेस को फेस करेगी. वॉइस ऑफ साउथ एशिया के जितने भी व्यूवर्स हैं, साउथ एशियन और दूसरे भी, उनके भी फैमिलीज उसको चैलेंजेस को फेस करेंगे. अब ये बताइए कि हमारे जो यहाँ पे जनरेशन जो पैदा हुई है और जो यहाँ पर ग्रो अप हो रहे हैं बच्चे हमारे, लड़के लड़कियाँ, तो उनका फ्यूचर क्या है, सबसे पहला सवाल. दूसरा कि किस तरह तो उनको गाइड किया जा सकता है कैरियर्स की तरफ, और तीसरा कि वो यहाँ पर अपना पॉलिटिकली क्या रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. देखें, ये तो बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए हैं. जो है द इमिग्रेंट कम्युनिटी इज बाय एंड लार्ज डूइंग वेल माशाल्लाह से. जो है अभी जो है ये कोविड 19 की वजह से जो है कुछ हिकअप्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, जो है होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये चली जाएंगी. लेकिन हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो जो स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में जो हैं जा रहे हैं, उन लोगों को जो है पॉलिटिकली कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए उसके बारे में जो है मैं आपको बता सकता हूँ. जो है मुस्लिम डेमोक्रेटिक कॉकस के पास जो है प्रोग्राम है जो है कि वी वॉन्ट आर किड्स our teenagers to get involved and we can hook them up with the offices of the congressmen, women and the senators taaki jo hai wo unko wahan par job mil jaye ya apprenticeship mil jaye ya fellowship mil jaye jo hai ek to ye hum log kar sakte hain, number one. aur number two, Dallas Peace and Justice Center ka jo hai ek naya program jo hai wo teesre saal mein hai ke we are training the kids how to talk to the Congress, and the senators and to the Senate. और इस सिलसिले में जो है मार्च के एंड में हमारा जो है प्रोग्राम होता है और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छी वो कोऑर्डिनेशन है, वो है क्वेकर्स की ऑर्गेनाइजेशन जो कि जो है नॉन वायलेंट, डोंट बिलीव इन एनी वॉर एंड ऑल दैट. उनका प्रोग्राम होता है कि वो लोग जो है लॉबिंग के लिए जो है ट्रेन करते हैं. तो ये तीसरा साल है जो है वी हैव बीन सेंडिंग आउट आवर किड्स. इस साल तो जो है वी हैड 25 पीपल यंगस्टर्स टू सेंड, लेकिन कोविड 19 की वजह से जो है वो जो है ऑनलाइन हो गया जो है और वीडियो पर हो गया. लेकिन जो है द फर्स्ट ईयर वी सेंड देम आई थिंक 25 पीपल, एंड द सेकेंड ईयर वी वर एबल टू सेंड 50 पीपल, 50 यंगस्टर्स. तो दिस इज अ ग्रेट प्रोग्राम. और ये डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर की वेबसाइट पर www.dpjc.org पर जाएं और देखें यूथ एडवोकेसी प्रोग्राम. तो इसके अलावा जो है लोकली भी जो है वी आर डूइंग द लोकल ट्राइंग टू हेल्प द किड्स. तो हमारे जो किड्स आ रहे हैं जो है दे आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह से जो है, एंड दे आर रियली अमेरिकन्स. थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, आपकी इतनी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन का. होप कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने इससे मैक्सिमम चंक गेन किया होगा. वंस अगेन थैंक यू हमारे इदारे की तरफ से, आपका बहुत शुक्रिया. हमारे दुनिया भर के व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहते हैं तो प्लीज द फ्लोर इज योर्स. नहीं, बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो है कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. इसके अलावा जो है मेरा मैसेज तो यही है कि जो है दुनिया में अगर सारे ममालिक और सब लोग मिलकर के काम करें तो दे कैन रियली मेक दिस वर्ल्ड अ मच बेटर प्लेस. और जो है इस दुनिया में जो है हम लोगों को जो है, जैसे मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सब साउथ एशिया की तरफ देखता हूँ, अगर वो लोग जो हैं, अगर वो ममालिक अपना रिसोर्सेज, मेगर रिसोर्सेज जो हैं, अगर जो है अवाम की भलाई के लिए और सेहत के लिए और एजुकेशन के लिए जो है अगर वो लोग एलोकेट करें बनस्पत इसके के मिसाइल्स बनाएं, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाएं एंड ऑल दैट, जो कि वी ऑल नो दैट नोबडी विल एवर यूज़,
इंशाल्लाह. तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड. ये एक ही प्लानट है हमारे पास, और इसके अलावा जो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी के बहुत ही खतरनाक इफेक्ट्स आ रहे हैं. जो है वी रियली नीड टू गेट डाउन टू इट एंड ट्राई टू रियली हेल्प आउट ईच अदर एंड वर्क विद ईच अदर. सो मेरा यही पैगाम है कि दिस देर इज़ नो प्लानट बी, दिस इज आर प्लानट, देर इज़ ओनली वन प्लानट. लेट्स वर्क टूगेदर टू मेक दिस प्लानट a peaceful and livable place for all of us, for all our children and for all the future generations. Thank you. We were some baat kar rahe the Aftab Siddiqui sahab se jo is waqt current jo challenges America especially face kar raha hai COVID-19 ke alawa racism ka ek phenomena क्रिएट हुआ है रिसेंट वेव आई है इसमें, जिसमें स्ट्रीट वायलेंट हो गई हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें बर्न डाउन हुई हैं. उसी सिलसिले में उन्होंने काफ़ी अच्छे एक कंसाइज और एक इन डेप्थ जाके अपना एनालिसिस पेश करने की उन्होंने कोशिश करी है. उसके साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए. हम सब की ऑब्लिगेशंस हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री. US हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है. जिस तरह हमारे नेटिव हमारे मुल्क हमारे अपने हैं, उसी तरीके से US भी हमारा मुल्क है. हमको ओन करना है, हमको इसकी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है और अपना बेटर रोल प्ले करने की कोशिश अदा करनी चाहिए. रेसिज्म एक फिनोमेना है जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, लेकिन उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए ये इंडिविजुअली बेस पर हम लोग बेहतर तौर पर कर सकते हैं. पुलिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हमारी भी चंद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है जिसको हमको कोशिश करना चाहिए कि करें. नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका होस्ट आली अली रिजवी टेक्सास टाइम्स के दोबारा से हाजिर हूँगा एक नई गेस्ट को लेकर, एक नई एकेडमिक पर्सनालिटी को लेकर. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.